Hello students, good afternoon. Avikaari shabd chapter 11. हमें इसे की परिभाषा पढ़ ली अधिकारी शब्द की और क्रिया विशेषण के भेद पढ़ चुके हैं. आज हम संबंध बोध ये क्या है हमारा अधिकारी शब्द के भेद है. अधिकारी शब्द के कितने भेद होते थे? चार. तो क्रिया विशेषण हमने पढ़ा है, आज हम संबंध बोध पढ़ेंगे. ओके, संबंध बोध परिभाषा क्या है? जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोध कहते हैं. जैसे उदाहरण क्या है? बालक पेड़ के नीचे खड़ा है, तो के नीचे क्या है? उससे संबंध हो रहा है. जैसे उनका संबंध उससे मेल खा रहा है, पेड़ के नीचे. बालक किसके नीचे खड़ा है? पेड़ के नीचे. पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, तो पेड़ से किसका संबंध है? बालक का इससे संबंध है. और फिर देखते हैं सेकंड नंबर में, पेड़ के ऊपर, तो बंदर का और पेड़ के ऊपर, तो ये संबंध को दर्शा रहा है. ये हमारा क्या हो गया? संबंध बोध है. थर्ड नंबर देखते हैं, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, तो आकाश और चिड़िया का क्या है? में क्या हो रहा है? ये संबंध को बना रहा है इसके. थर्ड नंबर, पेड़ के निकट गाय खड़ी है. किसके निकट खड़ी है? के निकट क्या कर रहा है? ये संबंध को जोड़ रहे हैं. अब देखिए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा. मैं तुम्हारे साथ कौन क्या जोड़ रहा है आपको? साथ क्या हो रहा है? संबंध को जो है वो जोड़ रहा है. मैं तुम्हारे साथ चलूंगा. अब देखिए, उनका घर मंदिर के पीछे है. क्या जोड़ा है? के पीछे क्या है? वो संबंध हो रहा है. हमारा घर स्कूल के सामने है. के सामने ये जोड़ रहा है हमारा घर और स्कूल को. ये बीच में के सामने जो है वो संबंध हो रहा है. विद्या के बिना मनुष्य शोभा नहीं पाता. के बिना क्या है? ये संबंध को जोड़ रहे हैं हमारे, तो संबंध बोधक है. अब देखते हैं समुच्चय बोधक की परिभाषा देखते हैं. जो शब्द दो वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं. अब समुच्चय बोधक के उदाहरण देखते हैं क्या है. उदाहरण, रवि ने अथवा तुमने गुल तोड़ा. तो ये क्या कह रहा है? दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का क्या कह रहे हैं? कार्य कर रहे हैं. तो इसमें भी रवि ने अथवा तुमने, अथवा क्या है? ये समुच्चय बोधक है. ये दो शब्द और वाक्यांशों को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है. तो ये हमारा क्या हो गया? समुच्चय बोधक है. अब ऐसे देखते हैं, खाना, तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैं चली गई. तो इसमें क्या है? इसलिए क्या है? वाक्यांश को जोड़ रहा है. शब्द जो शब्द है हमारे, इसलिए इसको वाक्यांश को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं. तो हमारा समुच्चय बोधक है. मैं वहां गया ताकि उसने उससे मिल सके. तो ताकि क्या कर रहा है? समुच्चय बोधक है. वो शब्द और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो वो समुच्चय बोधक है. अब हम पढ़ेंगे इसके बाद विस्म्यान बोधक. विस्म्यान बोधक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे.